हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं सैंडविच, वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो सबसे पहले एक बोल लेना, उसमें पत्ता गोभी डालना है 1 कप। सब्जी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर एक प्याज डालना, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। और फिर प्याज डालने के बाद एक शिमला मिर्च है, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे। फिर एक गाजर है, 2 गाजर ली थी मैंने छोटी छोटी, उनको भी बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे। फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून मेयोनेज़ लेना और वो डाल देना, भर के लेना मेयोनेज़। और मेयोनेज़ डालने के बाद थोड़े से कॉर्न भी डालने थे, मैं भूल गई थी, स्वीट कॉर्न, वो भी डाल देना 1 टेबल स्पून। और फिर टमाटो सॉस डाल देना 1 टेबल स्पून भर के। और कोई सी सॉस डालना चाहो तो आप वो डाल सकते हो, मैंने तो सिर्फ टमाटो सॉस ही डाली है। फिर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालना, ये मेरे पास सैशे वाली थी तो मैंने वही डाल दी है। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालना और थोड़ी सी ऑरिगेनो डालना, आधी चम्मच के करीब। ये भी मेरे पास 2 सैशे थे तो वो मैंने डाल दिए। तो इस तरह से इन्हें डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना, कि जिससे सारी मेयोनीज सॉस और चिली फ्लेक्स इसमें मिक्स हो जाए सब्जियों में और सब अच्छे से मिल जाए। तो फिर इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आप गैस को जलाना, क्योंकि तो गैस जल गई है। तो फिर गैस जलाने के बाद एक पैन को रख देना। फिर ब्रेड स्लाइसेस लिए मैंने, ब्राउन वाली ब्रेड ली है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हो। उस पे घी लगाना, देसी घी लगाना या फिर बटर लगा लेना, जो चाहो वो लगा सकते हो आप। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स का जो हमने मसाला बनाया था वो रख देंगे। और फिर वो मसाला रखने के बाद ये मैंने चीज़ स्लाइस लिया है, ये चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे। और फिर चीज़ स्लाइस लगाने के बाद इसे ब्रेड से कवर कर देंगे और फिर इसे सेकने देंगे, अच्छे से करारा होने देंगे। सिम आँच पे ही सेकना, तेज़ आँच पे नहीं सेकेंगे, अगर तेज़ पे सेकोगे तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए सिम आँच पे सेकना इसे। और फिर इसे एक साइड से सिक जाएगा तो फिर पलट लेना। फिर इसे अच्छे से सेक लेंगे करारा करारा, सेकने के बाद इसे काट लेंगे किसी नाइफ से या फिर कटर से काट लेना। फिर इसे गर्मा गर्म इन्जॉय करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करना मत भूलना। और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब की भी ना मत जाना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।